सो है गाइस, एप्पल ने अपने रिलीज कर दिया अपना नया सॉफ्टवेयर वर्जन जो कि iOS 18.0.1 का अपडेट। तो इस अपडेट को हमें अपने आईफोन में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर ये अपडेट किन आईफोन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर किया हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल एंड। तो गाइस, अगर अपडेट साइज की बात करो तो जो अपडेट का साइज है यहाँ पे 352.3 MB का, तो जो साइज है अपडेट की डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से मॉडल्स पे और कौन से प्रीवियस सॉफ्टवेयर वर्जन पे हो। तो गाइस, आईफोन 16 और 16 प्रो का जो टच स्क्रीन था उसका जो रिस्पॉन्सिव था, जो उसका रिस्पॉन्सिव टाइम था, वो टेम्परली के लिए थोड़ा स्लो हो जाता था, अगर थोड़ा बगीनेस थोड़ा बोलते ना थोड़ा स्टक होता था। तो अगर आप वो चीज़ को फेस कर रहे थे अपने 16 के मॉडल्स में, देन यू शुड गो विद दिस अपडेट। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगर आप अपने आईफोन 16 मॉडल से यानी 16 प्रो मॉडल से अगर आप 4K वीडियो HDR में शूट करते थे तो जो कैमरा शटर था वो थोड़ा फ्रीज होता था, मतलब आपको ऐसा जो उसके फ्रेम रेट थे या फिर बोल सकते जो उसका रिजल्ट आता था वो थोड़ा फ्रीज होकर आता था। तो अगर वो चीज़ भी आप यहाँ पे फेस कर, आपको इस अपडेट को कर लेना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता था कि अगर आप एप्पल वॉच यूज़ करते हो तो उसमें जो मैसेज आप करते थे तो उसका जो सजेशन था, मतलब मान लीजिए कि आपने एप्पल वॉच से किसी को मैसेज कर दिया तो आप रिव्यू नहीं देख पाते थे, तुरंत गायब हो जाता था। अगर ये चीज़ को भी आप फेस कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको इस अपडेट को करना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि इन अपडेट को जो छोटे मॉडल से लाइक आईफोन 16 के जो नीचे लाइक आईफोन 15 हो गया, 13 प्रो, 14 हो गया, 11, 12 हो गया, उन सबको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अपडेट को स्किप कीजिए, इतना कोई बेनिफिट नहीं अपडेट करने में, कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट हो गया रहेगा जो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इशू था iOS 18 के बाद, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उसको भी चेंज नहीं किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा मॉडर्न फर्मवेयर है अपडेट के पहले 2.16.06 था। अब मैं आपको अपडेट के बाद का दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं जाता हूँ सेटिंग, जो कि मॉडर्न फर्मवेयर है वो 2.16.06 अभी भी है। इट मीन्स यहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू थी उसको रिजॉल्व नहीं किया गया है, तो बैटरी तो दूर की बात है। तो अगर जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपके पास आईफोन 16 नहीं है, अगर 15 है उसके नीचे के मॉडल्स हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगला जो अपडेट आने वाला है प्योर होने वाला है iOS 18.1, ये 0.1 था, तो जो 18.1 होगा वो सबके लिए होगा बेनिफिशियली और खासकर सारे ऑल मॉडल्स के लिए होने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।